सकते हो आप लोग, आज इस वीडियो में बेसिकली हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम TY BAFSAMPHY का इवैल्यूएशन, जो फॉर्म होता है, एप्लीकेशन होता है, उसको किस तरीके से फिल कर सकते हैं। देखिए, बारीकी डिटेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ताकि आप एक ही बार वीडियो देखो और आपको पूरा समझ में आ जाए कि किस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। वीडियो के साथ साथ भी आप क्या कर सकते हो, अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू फिल द TY BAFSAMPHY का रिवॉल्यूशन फॉर्म। तो फर्स्ट वन, आपको इस पेज पे आ जाना है। ठीक है, इस पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके का पूरा एक पेज ओपन होगा। तो आपका जो फर्स्ट लिंक दिखेगा यहाँ पे, रिवैल्यूएशन फोटोकॉपी फॉर्म सेकेंड हाफ 2023 विंटर सीजन। ठीक है, यहाँ पे लिंक है, देखिए इसको क्लिक कर लेना है। वैसे मैंने डायरेक्टली लिंक यहाँ का दिया हुआ है आपको, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इतना सब, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे देख सकते हो जो सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, यहाँ पे एप्लीकेशन बेसिकली दिया हुआ है, और आपका एप्लीकेशन बस इतना सा ही है। नीचे आप सर्च कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये आपका एप्लीकेशन ओपन है। यहाँ पे आपको इवेंट पे आना है, इवेंट आपका विंटर सीजन है 2023 का, सेकेंड हाफ नहीं जाना है यहाँ पे। इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, एक विंटर सेशन है 2023 का, और एक यहाँ पे SH लिखा है, SH मतलब सेकेंड हाफ, ठीक है, 2023 का। तो वो क्लिक नहीं करना है आपको, आपका विंटर सीजन है, क्योंकि आपने दिसंबर मंथ में एग्जाम दिया था। नेक्स्ट, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको आना है कोर्स पे। देखिए यहाँ पे जब आप कोर्स पे क्लिक करोगे, तो इतने सारे कोर्सेस आपका एप्लीकेबल है, मतलब यहाँ पे आप जितने भी बच्चे जो रिवैल्यूशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो उनका इतना सारा जो कोर्सेस है वो ओपन हो चुका है, जिसमें आप देख सकते हो कि बैचलर ऑफ कॉमर्स है, लॉ है, टेक्नोलॉजी है, मास्टर ऑफ कॉमर्स है, देखिए बैचलर ऑफ साइंस है, मास्टर ऑफ आर्ट्स है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बैचलर ऑफ फार्मेसी हो गया, यहाँ तक कि BMS के बच्चे, देखिए टी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट, उनका भी यहाँ पे रिवैल्यूएशन फॉर्म ओपन है, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट भी यहाँ पे ओपन है। तो चलिए, ये सबके लिए, सबको इसी तरीके से फॉर्म फिल करना है। ठीक है, सिर्फ ये बैफ के लिए नहीं है, अगर आप अपने दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो, तो उनको भी एक हेल्प मिल जाएगी। तो जो बैफ के बच्चे हैं, उनको बैचलर ऑफ कॉमर्स से ले करना है, BBI के हो तो भी आपको यही से ले करना है, ठीक है, BCOM के हो तो भी यही से ले करना है आपको, बैचलर ऑफ कॉमर्स। यहाँ पे अपना सीट नंबर इंटर कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे सीट नंबर इंटर कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग भी अपना सीट नंबर यहाँ पे इंटर कर दीजिए। प्रॉपर तरीके से इंटर करना, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बेसिक बताया था, अगर एक बार भी आपकी गलती हो गई, तो उसको दोबारा रीचेंज नहीं कर सकते, ना आप दोबारा फॉर्म भी फिल कर सकते हो। आपको एक ही बार फॉर्म फिलअप करना है, राइट ना, यहाँ पे दूसरा आपको मौका नहीं दिया जाएगा फॉर्म फिलअप का। यहाँ पे आप जब सीट नंबर डाले, तो उसको आप वेरीफाई कर लो एक दो बार अच्छे से कि यही नंबर है, ठीक है, जैसे कि 1179631, यस यही है। फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका रिजर्व कैटेगरी है या नहीं है, ठीक है, आपको मालूम होगा आपका रिजर्व कैटेगरी है या नहीं है, तो यहाँ पे नो कर देते, लेकिन अगर है तो यस कर देना, और इधर पे सर्च कर लो। देखिए यहाँ पे सर्च किया मैंने, तो सबसे पहले क्या आएगा, कैंडिडेट का नाम आएगा, यहाँ पे देखिए तो कैंडिडेट का नाम आ गया है, राइट। फिर आपका सीट नंबर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है, और आपको ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करना है। इसको इंटर कर लेते हैं हम पहले, ठीक है, बच्चे का जो भी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर है वो इंटर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर्स और ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया हुआ है, ठीक है। आपको अपना प्रॉपर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इंसर्ट करना है, ताकि आपको उस पर मैसेज आ सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखते हैं, फोटोकॉपी एप्लीकेशन फीस 10 रुपीज दिया हुआ है, और रिवैल्यूएशन एप्लीकेशन फीस 10 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। ये सिर्फ इनका एक्स्ट्रा फीस है, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं, ये फीस आपका अभी एप्लीकेबल नहीं है, आपको 10 रुपीज नहीं देना है। आपको लगेगा कि मुझे सिर्फ रिवैल्यूएशन करने के लिए 10 रुपीज देना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, नीचे स्क्रॉल करके आते हैं, अभी यहाँ पे तो टोटल कितने सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं बेसिकली। अब ये जो बच्चे को कम मार्क्स आए हैं, वो दो सब्जेक्ट्स है, एक है आपका मैनेजमेंट का, दूसरा है FM का, ठीक है। तो FM में उसको मालूम है कि वो पास नहीं हो पाएगा, उसको फिर से KT का फॉर्म देना पड़ेगा। तो KT का जब फॉर्म आएगा, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आते हैं हम लोग मैनेजमेंट में, ठीक है। तो फोटोकॉपी बेसिकली मंगा के आपको कोई मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। फोटोकॉपी आपके लिए क्या होता है, कि आपने जो आंसर्स लिखे हैं, आपके आंसर शीट, बस वही आपको फोटोकॉपी करके मिल जाएंगे, ठीक है। और ये फोटोकॉपी आपको या तो बाया पोस्ट ऑफिस भी मिल सकता है, बाया ईमेल मिल सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, इसको हम लोग ईमेल से ही मंगाते हैं, ठीक है। ईमेल आपको बेटर होता है, क्योंकि वो जल्दी मिल जाता है, अगर पोस्ट ऑफिस मंगाने जाओगे तो बहुत ही लंबा सा प्रोसेस हो जाता है। और आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने फोटोकॉपी पे क्लिक किया हुआ है, तो फोटोकॉपी का कितना जा रहा है, यहाँ पे 50 रुपीज जा रहा है,
देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है सिर्फ ये ऐसे ही लिखा हुआ है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, अभी जो हमने फोटो कॉपी सेलेक्ट किया तो 50 रुपीज यहाँ पे है। आप जितना सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उतना आपका यहाँ पे अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा। एक सब्जेक्ट का आपका 50 रुपीज है, अगर मैं दो सब्जेक्ट करता हूँ तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तीन करूँगा तो 50, मतलब 50 का मल्टीपल यहाँ पे होते रहेगा। चलिए, तो फोटो कॉपी तो मुझे मंगाना ही नहीं है, उसका कोई मीनिंग भी नहीं है। अगर मैंने पेपर्स लिखा है, अगर मुझे मालूम है कि मैंने पेपर सही तरीके से लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको रिवैल्यूएशन के साथ साथ फोटो कॉपी भी चाहिए, तो आप दोनों पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, आप दोनों पे क्लिक करके दोनों को कर सकते हो अप्लाई। तो आपका देख सकते हो यहाँ पे फीस जाएगा 300। अब ये 300 में समझा दो, अगर फोटो कॉपी में रिमूव करता हूँ सिर्फ रिवैल्यूएशन का कितना है मेरा 250 रुपीज है। देख सकते हो यहाँ पे रिवैल्यूएशन कितना है, सिर्फ 250 रुपीज। अगर आपको फोटो कॉपी भी चाहिए साथ में तो आप अप्लाई कर सकते हो, तो टोटल आपका 300 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ 300 आपका अब तक का सब्जेक्ट सिलेक्शन का है, लेकिन इसके बाद जब हम प्रोसीड करेंगे तो उसमें आपका अदर जो चार्जेस है वो अप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी इसमें मेक पेमेंट करते हैं। सिर्फ हमें एक ही सब्जेक्ट पे करना है, आप देख लीजिए आपको कितने सब्जेक्ट्स पे करने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों अप्लाई चाहिए, यानी कि फोटो कॉपी चाहिए या रिवेल्यूशन चाहिए, दोनों चाहिए तो दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर सिंगल चाहिए तो सिंगल भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अभी मैं दोनों यहाँ पे करने वाला हूँ, फोटो कॉपी भी करने वाला हूँ और रिवेल्यूशन भी करने वाला हूँ। लेकिन ये मैं मेक पेमेंट करने से पहले यहाँ पे मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ अपना सीट नंबर्स और मैं अपना मोबाइल नंबर्स और ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये आप लोग भी वेरीफाई कर लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर इसमें मिस्टेक्स हो गई तो फिर आपका सब बेकार हो जाएगा। दैट इसमें से आपको कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं मिलेगा, फिर आपको कुछ महीनों का फिर से वेट करना पड़ेगा जब तक ये लिंक ओपन नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से इसको वेरीफाई कर लीजिए अपने नंबर्स को, मोबाइल नंबर्स को और अपने ईमेल आईडी को। ठीक है, भले इसमें टाइम लगेगा लेकिन आप उसको कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हो गई तो दैट इज मीन सब बेकार हो जाएगा, मतलब आपको आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा बस, बाकी कुछ नहीं है। चलिए यहाँ पे मेक पेमेंट करते हैं। देखिए देख सकते हो यहाँ पे मैंने मेक पेमेंट कर दिया है और ये ओपन हो गया। अब आपको यहाँ पे पेमेंट करना है और यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट किस तरीके से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, यूपीआई और वॉलेट से। ठीक है, अगर क्रेडिट कार्ड से करना है तो यहाँ पे आपको पूरे इन्फॉर्मेशन दिए गए, ये सब आपको इंसर्ट करना होगा यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रांजेक्शन डिटेल्स दिया हुआ है और इस ट्रांजेक्शन डिटेल्स के अंदर आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी फीस कलेक्शन यहाँ पे लिया हुआ है, सर्विस और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, रिवैल्यूएशन फोटोकॉपी फीस कलेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ट्रांजेक्शन आपको आईडी दिया गया इतना, और आपका टोटल बिल जो अमाउंट बना है वो 320 का बना है, समझे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे अप्लाइड होगा। अगर मैं यहाँ पे यूपीआई जाता हूँ, अगर मैं यूपीआई जाऊंगा तो देख सकते हो मुझे यहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, 1.18 रुपीज का, समझे यहाँ पे। अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हो, उसमें कोई भी जीएसटी नहीं देना है। और डेबिट कार्ड भी यूज करते हो या नेट बैंकिंग यूज करते हो तो नेट बैंकिंग में भी नहीं है आपको। ठीक है, मतलब आपको डेबिट कार्ड हो गया, यूपीआई हो गया और आपका जो वॉलेट है, सॉरी सिर्फ आपको दो जगह आपको जीएसटी पे करना पड़ रहा है, एक आपका डेबिट कार्ड और दूसरा यूपीआई से। ठीक है, बाकी और किसी से आपको जीएसटी पे नहीं करने की जरूरत है। चलिए यहाँ पे मैं अपना यूपीआई आईडी डाल देता हूँ, फर्स्ट वन, राइट। मैंने अपना यहाँ पे यूपीआई डाल दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नाउ करता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं पे नाउ किया है, आपको ये पेज को गलती से भी रिफ्रेश नहीं करना है। यहाँ पे दिया हुआ है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस रिक्वायर्ड दे दिया है, लगता है प्रॉपर लिया नहीं है, एक बार फिर से प्रॉपर डालना है यहाँ पे। ठीक है, चलो यहाँ पे हो गया ये एक्सेस। यहाँ पे मुझे टोटल पे करना है 321। ठीक है, मैं एक ही सब्जेक्ट्स पे आपका फोटो कॉपी और रिवैल्यूएशन दोनों यहाँ पे मैं अप्लाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको 3 मिनट का टाइम दिया जाता है, 3 मिनट में आपको पेमेंट करना है। आपके यूपीआई पे एक पॉपअप आएगा, वहां से आपको पे करना है। देख सकते हो यहाँ पे मेरा पेमेंट हो चुका है अभी। तो यहाँ पे मुझे मेरा ट्रांजेक्शन आईडी दिया हुआ है और यहाँ पे मेरा योर पेमेंट ट्रांजेक्शन आईडी एक दिया हुआ है मुंबई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये दोनों सेम ही होता है। ठीक है, एक रेफरेंस आईडी है यहाँ पे पेमेंट का और उसमें एमयू लग जाएगा तो मुंबई यूनिवर्सिटी का ट्रांजेक्शन आईडी हो जाएगा ये। ठीक है, नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट दिया हुआ है, चलिए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। क्लिक कर लिया मैंने, डाउनलोड हो गया ये, यहाँ पे देख सकते हो ये डाउनलोड हो चुका है।
यहाँ पे लिखा हुआ है नोट देख लेते हैं फिर से आगे चलते हैं। इफ द पेमेंट ट्रांजेक्शन शोज फेल बट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट प्लीज वेट फॉर 3 आवर्स एंड लॉग इन वंस अगेन स्टिल पेमेंट स्टेटस शोइंग एज अ फेल प्लीज प्रोसीड टू पे वंस अगेन द फेल ट्रांजेक्शन अमाउंट इफ एनी विल बी रिफंडेड ऑटोमेटिकली। आई थिंक आप यहाँ पे समझ गए कि क्या है। देख सकते हो यहाँ पे मैंने अपना एक्नॉलेजमेंट ओपन कर लिया हुआ है। ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट है। इस एक्नॉलेजमेंट में है क्या, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो एग्जामिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, आपका विंटर सेशन है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आपका सीट नंबर दिया गया है और यहाँ पे आपका नाम दिया गया है। राइट, फिर रिजर्व कैटेगरी है तो नो। राइट, और एप्लीकेशन सबमिट है यहाँ पे, अभी का जो डेट है और टाइमिंग है वो डाल दिया मैंने। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर आ गया और आपका ट्रांजेक्शन आईडी भी आ गया यहाँ पे, जिसने आपने जो भी पेमेंट किया, आपने पेमेंट कब किया है उसका भी यहाँ पे टाइमिंग आ चुका है डेट के साथ। नेक्स्ट, कितना पे किया हुआ है, 320 रुपीज यहाँ पे किया हुआ है एग्जैक्ट यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, जीएसटी इसमें नहीं दिखाया। और यहाँ पे आपको देख सकते हो सब्जेक्ट कोड है आपका यहाँ पे, और आपका सब्जेक्ट का नाम दे दिया गया मैनेजमेंट टू और अप्लाइड फॉर फोटो कॉपी और रिवेल्यूशन दोनों के लिए यहाँ पे मैंने अप्लाइड कर दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो वाटर मार्क जो लगा है वो आपके सीट नंबर्स का लगा है वाटर मार्क। राइट, यहाँ पे स्कैनर दे दिया गया सब। तो ये हो गया आपका एक्नॉलेजमेंट, ये एक्नॉलेजमेंट आपका जनरेट हो जाना चाहिए। अगर जनरेट नहीं होता है ठीक है तो आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ 2 से 3 घंटा वेट करना है, लॉग इन करना है और देखना है। अगर फिर भी नहीं होता है ठीक है, एक्नॉलेजमेंट जनरेट और आपका पेमेंट हो चुका है तो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के पास जाना है। ठीक है, वहां पे आप अपनी क्वायरीज को रख सकते हो, तो वहां पे उसको आपका सोल्यूशन दे देंगे वो। राइट, तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि कोई भी कोर्सेस का, एनी कोर्सेस का रिवेल्युएशन फॉर्म या फोटोकॉपी को फिल कर सकते हो। जो फोटोकॉपी है वो आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा। ठीक है, और जो रिवेल्युएशन है उसके लिए तो आपको अपडेट मिलते रहेगा। राइट, बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।